सबसे पहले सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। आज ये है रिपब्लिक डे सैंडविच, जिसे बनाने के लिए टोटल है ये 150 ग्राम पनीर। इसे हमने ग्रेट कर लिया है चाय वाले कप में, इसे मैंने डिवाइड कर लिया है। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि दो बाउल में, क्योंकि हमें इसे कलर देना है। बिल्कुल भी आर्टिफिशियल कलर नहीं देंगे। ये है हरी चटनी, धनिया, पुदीना, अदरक और मिर्ची और नींबू की। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमने डाली है 2 टेबल स्पून। अगर आपको और थोड़ी ज़रूरत पड़े कलर और लाने के लिए तो आप डाल सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं डालूंगा, फिर उससे मेरा टेस्ट ख़राब होगा सैंडविच का। अब 2 टेबल स्पून मैं डालता हूँ दूसरे वाले पनीर में टोमेटो केचप। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करें। एक एक चुटकी नमक डालते हैं दोनों में ही, पिंच ऑफ सॉल्ट। अब ब्लैक पेपर डालते हैं पिंच। अगर ग्रीन चटनी ज़्यादा तीखी है तो आप मत डालें। अब मेरे पास में 6 स्लाइस ब्रेड के, जिसे मैंने साइड में से कट किया हुआ है, और 6 के 6 के ऊपर में बटर लगा रखा है मैंने। सबसे पहले ग्रीन वाला पोर्शन डालते हैं 1 चम्मच 2 स्लाइस के ऊपर में बस। उसके बाद में आपने अपने चाकू में थोड़ा थोड़ा बटर लगा के इसे अच्छे से थोड़ा थोड़ा फैला लें, क्योंकि ये ना थोड़ा थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, क्योंकि इसके साथ में पानी मिल चुका है। अब हमने इसके ऊपर में लगाना है थोड़ा थोड़ा बटर। ये मेल्टेड बटर है, मैंने तो माइक्रोवेव कर लिया था, 15 सेकेंड तो मेल्ट हो जाता है। अब हम अपनी ब्रेड की स्लाइस इसके ऊपर में लगाते हैं, 1-1 चम्मच रखते हैं। दोबारा से अब ऑरेंज वाला, अब इसे फैला लेते हैं बटर वाला नाइफ लगा के। अब उसके बाद में इसके ऊपर में भी थोड़ा थोड़ा ऐसे बटर लगा देते हैं। अब इसे भी ढक देते हैं। बटर वाला जो हमारा पोर्शन है स्लाइस का, वो ऊपर में है, वो हमारे सेकने में काम आएगा। अब अपनी ब्रेड की जो हमने सैंडविच जो तैयार किया है रिपब्लिक डे सैंडविच, इसे अब आप अच्छे से सेक लें। ये मेरे पास में ग्रिलर था तो मैंने आज ग्रिलर पे सेक लिया, नहीं तो नॉर्मली मैं तवे को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तवे के ऊपर में चीज़ें ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा अच्छे से पकती हैं और ज़्यादा अंदर तक पकती हैं, ठीक है। तो मैं तो नॉर्मली नॉन स्टिक तवे का ही मैं यूज़ करता हूँ। आपका मन है आप ही तवे का ही यूज़ करें। बस अब ये जब बन गया, अब इसे सेंटर में से ऐसे कट करें और ऐसा एकदम मस्त वाला आपको दिखेगा। बाय बाय।